दोस्तों, रेजर पेपर जो आरबीआई ने बैन लगा दिया था वो फाइनली अब हट चुका है और रेजर पे ने ऑनबोर्डिंग जो है वो शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं, मुझे ये सुबह सुबह में जो है वो मेल आ चुका है, ऑनबोर्डिंग इज नाउ ओपन, स्टार्ट रिफरिंग योर क्लाइंट्स टुडे, राइट। तो रेजर पे ने जो है वो शुरू कर दिया है ऑनबोर्डिंग, यानी कि अभी जो है अगर आपका कोई बिजनेस है, आप चाहते हैं कि मेरा रेजर पे अकाउंट जो है वो बन जाए, तो अभी वो टाइम है जिस पे आप जल्दी से जाके जो है वो यहाँ पे रजिस्टर करके अपना रेजर पे अकाउंट का अप्रूवल ले ले। तो जिनको नहीं पता है कि रेजर पे क्या है, तो उनको बता दूं कि रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है, मतलब हर तरीके का जो है वो पेमेंट रिसीव करने के लिए काम आता है। अगर आपके पास कोई बिजनेस है जो मतलब ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करता है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2023 के एंड में हम कैसे रेजर पे पर अप्रूवल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो एक और अकाउंट जो है वो नया एकदम फ्रेश बनाकर दिखाने वाला हूँ, और उस पर हम अप्रूवल भी लेंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स आएंगे वो सारा ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हैं और अपना अकाउंट बनाने जाते हैं, तो आपका जो है वो अप्रूवल का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मैंने यहाँ से दिया हुआ है, राइट, पार्टनर से। तो पार्टनर से क्या होता है कि वहाँ पे आपका अप्रूवल का चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप चाहे तो एकदम नए से भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आपको जो है वो कुछ इस तरह का जो है फील्ड देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप साइन अप करने जाएंगे, तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करने वाला हूँ, और यहाँ पे आप टिक करेंगे नीचे, तो आपको जो है वो व्हाट्सएप पे भी अपडेट्स जो है वो मिलेंगे। और अब आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल में जो है वो ओटीपी आएगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको ओटीपी जो है वो एंटर कर देना है, और यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब यहीं से आपका जो है वो साइन अप प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, और यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अब नाम के बाद जो है वो आपको किस पर अप्रूवल लेना है, यानी कि आपको अपने एप्लीकेशन पे लेना है, अपने वेबसाइट पे लेना है, तो यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो मैं जो है वो यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे लेने वाला हूँ, तो मैंने एंड्रॉयड ऐप सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी मैं जाऊँगा अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए। तो ये हमारी वेबसाइट है, मैंने वेबसाइट भी इसका जो है वो एक लैंडिंग पेज बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे डाउनलोड पे जाऊँगा तो मुझे अपना ऐप मिल जाएगा। तो ये मैंने ऐप का लिंक कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, कंटिन्यू। आप अपने वेबसाइट पे भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको अच्छा खासा वेबसाइट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको बिजनेस टाइप सिलेक्ट करना है, मेरा इंडिविजुअल है, तो मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर जो है वो ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर जो है वो निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर और कंटिन्यू। और जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, तो वो अपने आप जो है वो डिटेक्ट करेगा कि आपका नाम क्या है, आपको पूछेगा कि आप कंफर्म कर दीजिए, तो अगर वो सही हुआ तो आपको कंफर्म कर देना है, और बाद में आपको पूछेगा कि आपका ब्रांड नेम क्या है, क्योंकि नाम तो आपका हो गया, आपने पैन नंबर डाल दिया, अब आप लोगों के सामने जो है वो क्या दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो एप्लीकेशन हो, अपना जो बिजनेस हो, उसका नाम डाल दीजिए, तो ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, राइट, और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, तो इनमें से आप जो है वो चूज कर लेना जो भी आपको लगता है, राइट। तो मेरा यहाँ पे ई कॉमर्स है, और ई कॉमर्स में भी मुझे जो है यहाँ पे ग्रोसरी का सिलेक्ट करना होगा, तो मैंने यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर एंड सुपरमार्केट जो है वो कर लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा एप्लीकेशन है, और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या आप मैन्युफैक्चर भी करते हैं प्रोडक्ट को, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे तो यहाँ पे यस दे देना अगर आप करते हैं तो। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस डालें जो अपने डोमेन से हो। तो मैं यहाँ पे ईमेल डाल दिया अपना बिजनेस ईमेल, और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा, तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करें फिर से। अब आपको अपने ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, तो वो आपको चेक करके डाल देना है। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ओटीपी को, और यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू करूँगा।
तो अभी हमने यहाँ पे साइन अप भी कर लिया है और अपना बिजनेस डिटेल भी आधा डाल दिया है। तो अभी का जो स्टेप है वो है केवाईसी कंप्लीट करना। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, अब यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आपको सिलेक्ट करना है बिजनेस एड्रेस, और यहाँ पे आपको अपना बिजनेस से रिलेटेड जो भी एड्रेस हो वो सही में डाल देना है और उसके बाद डन करना है। अब बैंक डिटेल पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो है वो डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो है वो डाल दिया है और यहाँ पे कर दिया है डन पे क्लिक। अब नेक्स्ट स्टेप है अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देना, राइट। तो यहाँ पे तीन चीजें जो है वो हमारी डन हो चुकी है। अब बारी है यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ की। तो यहाँ पे आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी चल सकता है, तो आपको उस हिसाब से जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं आधार सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करूँगा, और यहाँ पे फ्रंट एंड बैक साइड दोनों ही आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना आधार कार्ड का फ्रंट, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है बैक साइड, और फिर आपको कंटिन्यू कर देना है, और यहाँ पे भी कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपका केवाईसी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आपको बस सबमिट पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं सबमिट केवाईसी पर। तो अभी ये अंडर रिव्यू में चला गया है, और यहाँ पे आपको 3 से 4 बिजनेस डे के अंदर जो है वो आपको इसका ईमेल मिल जाएगा, उसके तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा कि क्या अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं भी हुआ है तो किस वजह से नहीं हुआ है, तो वो आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्ले आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जब भी ये अप्रूवल मिल जाएगा तो मैं आपको नोटिफाई ज़रूर कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट से, राइट। और आपको अगर इस तरह का चाहिए अप्रूवल तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको उस तरीके से एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट लैंडिंग पेज वगैरह बना के दे सकता हूँ जिसपे आसानी से आपको मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।